नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षकों की इनकम टैक्स 2020-21 प्रपत्र बैचवार, यानी कि जो इनकम टैक्स विवरणी आप भरते हैं वो यहाँ पे बैचवार दी जा रही है। आप इस पर अपना मिलान करके देख लिए, जो आपका बैच हो, जो आपकी सैलरी बन रही हो उससे मैच कर सकते हैं। उसके बाद वो आप विवरणी अपने विवरणी फार्म पे भर सकते हैं। जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये कुछ इस तरीके से आयकर विवरणी आपकी दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ष रहेगा, यहाँ पे आपकी डिटेल रहेगी और यहाँ पे आपका माह, ग्रेड पे, मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, अन्य भत्ते, योग, उसके बाद जो आपकी कटौती हो रही है जैसे GPF में या NPS में या GI या आयकर कटौती, इस तरीके से ये फॉर्मेट रहेगा। अब इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले आप अपना ग्रेड देख लीजिए। जैसे 42 ग्रेड में आप हैं तो उसमें देखिए आपकी सैलरी कितनी बन रही है, ठीक है, और उसमें से आप जो है NPS और जो आपका ग्रुप इंश्योरेंस कट रहा है उसको माइनस करके देखिए आपकी सैलरी जो क्रेडिट आपके अकाउंट में हो रही है, तो उससे मैच कर लीजिएगा। ये आपका आयकर विवरणी समझ में आ जाएगा कि ये आपकी है या नहीं है। तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं तो आपको इस तरीके से मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर 46 ग्रेड पे का भी दिया हुआ है, ठीक है। 46 ग्रेड पे आप अपनी सैलरी देखिए कितनी क्रेडिट हुई है, जनवरी या दिसंबर की देख लीजिए, मालूम हो जाएगा। ये देखिए दिसंबर की है, ठीक है, तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी है, करीब 56 पेज हैं इसमें, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये यहाँ से है 42 ग्रेड पे, आप देख सकते हैं आपकी सैलरी यहाँ पे NPS कटने के बाद ये दिसंबर में 44,045 बनी है। इसी तरीके से अब मैं जूनियर के शिक्षक जो हमारे साथ हैं 29,000 जिनका 4200 ग्रेड पे है उनका मैं दिखाना चाहूँगा। मेरा खुद का है वो कौन सा है, ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक हैं उनका ये बनेगा 46 ग्रेड पे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी सैलरी दिसंबर में क्रेडिट हुई उसमें से आप NPS तो कट नहीं रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और 87 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस अगर माइनस करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट यही बैठ रहा है। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ये आपका जूनियर में 29,000 जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका ये है। बाकी आप पूरा PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से अपना मिलान कर लें। जो आपकी आयकर विवरणी हो उसको आप फिल करिएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, अगर NPS कट रहा है तो NPS और ग्रुप इंश्योरेंस माइनस करके तब आप अपनी सैलरी को देखिएगा कितनी अकाउंट में आ रही है। अगर एग्जैक्ट उतनी आ रही है तो वो आयकर विवरणी आपकी हो सकती है। तो इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी पेज दिए हुए हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। इससे हम पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।